गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ऐड करना, हाउ टू ऐड नंबर्स। तो हम पहले छोटे नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे और उसके बाद हम बड़े नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। बड़े नंबर्स में क्या होता है, हमें कैरी करना पड़ता है एक एक नंबर आगे की तरफ। छोटे नंबर्स में हमें कैरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम पहले छोटे नंबर्स को एक बार देखेंगे। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, लिखेंगे नहीं कुछ भी, केवल समझते रहेंगे, बोर्ड की तरफ ध्यान रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक नंबर है, मैं आपके सामने एक नंबर लिख के बताता हूँ, कितना है ये? 9। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नो। उसके अलावा मैंने एक नंबर लिख दिया, कितना? 7। फिर मैंने एक नंबर लिख दिया, कितना? 3। एक और नंबर मैंने लिख दिया, कितना है? 2। इसके अलावा मैंने एक नंबर लिखा नीचे, 5। फिर उसके बाद 2। फिर 5। और फिर 4। ये निशान किसका है? ऐड करने का। बेटा अगर मैं निशान इधर लगा दूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर आप इस तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आपके राइट हैंड की तरफ तो आएगा निशान। आपका ये वाला कौन सा हैंड है? राइट हैंड। ये कौन सा हैंड है? तो एक चीज ध्यान रखना, आपका जो राइट वाला हैंड होता है ना, आप हमेशा निशान उस तरफ लगाएंगे। समझ गए? अगर आप इस तरफ से देखिए बोर्ड की तरफ पीट करके खड़े हैं, है ना, आपकी बैक अगर बोर्ड की तरफ है तो आपका राइट वाला हैंड किधर है? इधर। अगर मैं मुंह करके खड़ा हूं तो आपका ये वाला हैंड कौन सा होगा? अब लेफ्ट। तो निशान लगाते समय ध्यान रखेंगे, जो भी साइन यूज करेंगे ना, प्लस माइनस, वो किस तरफ होगा? हमेशा इस तरफ। समझ गए? इसके नीचे एक लाइन मैंने खींच ली, ये सेकेंड लाइन मैंने खींच ली। अब हम ऐड करना किधर से शुरू करेंगे बताइए? देखें, जिधर निशान लगाया ना इसके उल्टा, जिस तरफ निशान लगाया उसके उल्टी तरफ से करना शुरू करेंगे। तो किधर से करेंगे? इधर से। सबसे पहले क्या करेंगे एक बार मैं आपको बताता हूं, फिर आप बच्चों से बुला करके बोर्ड की तरफ पूछूंगा। इधर देखिए, सबसे पहले यहां क्या है? 2। हिंदी में क्या बोलते हैं इस नंबर को? 2। तो यहां जो कोने पर सबसे पहले जो नंबर लिखा है उतने डंडे हमें खींचने। कितने डंडे खींचेंगे? 1, 2। 2 हो गए ना। इसके 2 के जस्ट नीचे क्या लिखा है? 4। तो 4 डंडे खींच लेंगे, 1, 2, 3, 4। अब हमने दोनों नंबर्स जितने डंडे खींच लिए क्या इधर? हो गए ना, ऊपर वाले नंबर जितने भी और नीचे वाले नंबर जितने भी। अब इनको एक साथ काउंट करेंगे, मेरे साथ सभी बच्चे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हो गए? 6। नीचे क्या लिख देंगे? 6। यहां तक सही है क्या? इसको, ये जो डंडे हमने खींचे थे इनको इरेज कर देंगे, इससे नेक्स्ट वाले नंबर पे जाएंगे। 2 के पास में कौन सा नंबर है? 3। तो कितने डंडे खींचूं मैं? 1, 2, 3। नीचे कितने हैं? तो कितने डंडे खींचने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। खींच लिए क्या? Yes, sir. अगर मैं यहाँ एक डंडा और कर दूं तो क्या मैंने सही किया? No, sir. क्योंकि हमारे पास केवल 5 थे और 5 लिखे हैं तो 5 ही डंडे खींच सकते हैं, उससे ज्यादा डंडे हम नहीं खींच सकते। अगर उससे ज्यादा खींचेंगे तो वो हमारा ऐड करना गलत हो जाएगा। तो 3 के बाद 5 डंडे हो गए, अब इनको काउंट करेंगे एक साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हुए? 8। नीचे लिख दूं क्या मैं? Yes, sir. ये मैंने लिख दिए यहां पर 8। सही लिख दिया क्या? कितना लिख दिया मैंने? 9। अरे वाह, सबको तो पता है 8, 9 कैसे लिखते हैं। बहुत अच्छे बेटा। तो ये ध्यान रखना, मैं और भी मिस्टेक्स कर सकता हूँ, आपको पकड़ना है मेरी गलतियां, ठीक है? मेरे को क्या है, थोड़ा कम आता है, पता है तुम्हें? अरे कम आता है तुमसे, मैथ मुझे कम आती है, तो इसलिए मैं कुछ गलतियां करूंगा,
आपका काम है मेरी गलतियां पकड़ने का, ठीक है? ध्यान देते रहना बोर्ड पे। अगला नंबर कौन सा है थ्री के पास में? तो मैं एट डंडे खींच लूं? नो। कितने डंडे खींचने पड़ेंगे? वी हैव टू ड्रॉ सेवन। क्यों? हमारे पास नंबर कितना है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सही है क्या? No. क्यों? अब Seven. अब सही है? Yes, अब सही क्यों हो गया? क्योंकि जितने यहां लिखे हुए थे ना बेटा, उतने ही डंडे हमें खींचने हैं, तो जितने लिखे हुए थे उतने डंडे खींचने के बाद सही होगा। अगर मैं यहां पर सात से आठ डंडे खींचूंगा तो हमारी गलती हो जाएगी, ऐड करने में गलती होगी। नीचे कितना लिखा है सेवन के नीचे? तो कितने डंडे खींच लूं? अब एक साथ काउंट करेंगे सब मेरे साथ, आप भी काउंट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। कितने हो गए? तो यहां मैं नाइन लिख दूं? ये लिख दिया तो क्यों गलत है क्या ये? Yes, क्या गलती हुई बेटा? एट लिख दिया। अरे वाह, मेरे को देखो काउंटिंग भी कम आती है, आपको तो पूरा आता है सब, तो मेरे को सिखाते रहना साथ में, लेकिन आपको भी सीखना है। सीख रहे हो ना सब? नाइन हो गए। अब इससे जस्ट आगे सेवन से आगे वाला नंबर कौन सा है? तो कितने डंडे मुझे ड्रॉ करने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। कितने हो गए? नीचे क्या लिखा है? गिनेंगे तो क्या हो जाएंगे? तो यहां नीचे क्या लिख देंगे? हमारा ये ऐड करना सही है या नहीं है? सबको समझ आया क्या? बहुत अच्छे यशस्वी बेटा, आप सामने आ जाओ। हमने जो सीखा है वो यशस्वी आपको एक बार करके बताएगी, बीच में कोई बच्चा नहीं बोलेगा, चुपचाप से देखते रहना बस। इधर आओ यशस्वी, आ गए। मैं आपको कुछ नंबर्स यहां लिख के दे रहा हूं। करो बेटा, अपनी फिंगर्स की हेल्प से करेंगे, है ना? नाइन को अच्छे से लिखें बेटा, नाइन को अच्छे से लिखें, ऐसे नीचे करके ये हो गया, ठीक है? इसने सही किया गया एसएससी ने अभी तक? सही है या गलत है? क्या गलती करी बेटा? नहीं, डॉट तो इसके से वैसे गलती से लग गया, डॉट को तो मैं इरेज कर देता हूँ। लो वैसे सही किया क्या गिनने में? अरे सही है बेटा, जिसने नो कहा है इसका मतलब उसे अभी तक ऐड करना समझ में नहीं आया भाई। तीन और छह, इसने वैसे ही तो डंडे खींचे थे, इनको काउंट करेंगे तो कितने डंडे ही आएंगे, तो इसने सही किया है। वापस लिखो बेटा, ये सही है। नेक्स्ट, सही है, बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट, शाबाश यशस्वी ने बिल्कुल सही किया है। सिट डाउन बेटा, सब बच्चों को समझ आ गया? Yes, अब हम आपको कैरी करने वाला या हासिल लेने वाला जोड़ सिखाएंगे, ठीक है? देखते रहना बोर्ड पे। सेवन एट फाइव टू नाइन
6, 1, 7 यहां तक जो मैंने लिखा है निशान सही जगह लगाया ना मैंने, गलत तो नहीं है? अब देखना बेटा, जिससे मैं पूछूं केवल वही आंसर करेगा, यहां पे नहीं करवाएंगे बोर्ड पे, मैं आपसे पूछूंगा। यस बेटा स्टैंड अप। सबसे पहले ऐड करना, इधर से शुरू करूं या इधर से शुरू करूं? मैं इधर से करूं ना, तो कितने डंडे खींचूंगा सबसे पहले? जिससे पूछा जाए वही आंसर करेगा, बीच में नहीं बोलते। कितने डंडे खींचने पड़ेंगे बेटा? 2, क्योंकि यहां कितना लिखा हुआ है? सिट डाउन। ये देखिए मैंने 2 डंडे खींच लिए। अब उससे पास में जो बैठा है, खड़े हो बेटा। अब 2 डंडे खींचने के बाद अब और कितने डंडे खींचूं मैं? 9 क्यों खींचूंगा? क्योंकि 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 9। बैठिए बेटा, शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है यहां तक है? नेक्स्ट खड़े हो हर्षित। बेटा अब क्या करेंगे नेक्स्ट? 5 नहीं, इनको काउंट नहीं करेंगे? काउंट करो। टेन हो गए। इधर आओ, देखिए बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आकर के काउंट करो। बेटा आप मत बोलो, आप में से कोई नहीं बोलेगा, ये इसका काम है, यही करेगा जिसको दिया जाता है ना। बेटा कितने हुए अभी? तो 10 बता रहे थे बेटा आप। अच्छे से गिना करो, है ना? सिट डाउन। कितने होंगे गिनने से? 11 सही है ना? देखो गिनते हैं साथ में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने हो गए? 11। अब यहां पे नीचे पूरा 11 लिख दूं मैं, चलेगा क्या? बेटा हम हासिल वाला जोड़ कर रहे हैं, कैरी वाला। इसमें क्या होता है, जब तक आपको सिंगल डिजिट में नंबर मिलता रहेगा ना, 9 तक, 9 तक कितने डिजिट है? 1। अरे आप काउंटिंग में लिखते हैं ना बेटा, 1 से लेकर के 9 तक, तो कितने डिजिट आते हैं? 1, 1, 2, 3 हर बार डिजिट कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। लेकिन जैसे 10 पे पहुंचे तो कितने डिजिट हो गए? 2। 10 में कितने डिजिट है देखो, देखें कितने डिजिट है इसमें? 1 तो 1 और 1 0, 2 डिजिट हो गए ना। 11 में भी कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है, 1 तो 1 है, दूसरा भी 1 है। तो जब 2 डिजिट आ जाते हैं ना कभी भी, तो उसमें से 1 को नीचे लिखते हैं और 1 को आगे वाली संख्या पे कैरी करते हैं। तो नीचे कौन सा लिखते हैं? इधर वाला नंबर नीचे लिखेंगे और इधर वाला नंबर ऊपर जाएगा, समझ गए? इधर वाला नंबर नीचे लिखेंगे और इस तरफ वाला नंबर क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। देखो अब हमारे पास 11 आए थे ना, अगर मैं यहां नीचे 11 लिख देता तो क्या सही होता? ये गलत हो जाता। क्या करेंगे हम? 1 नीचे लिखेंगे और दूसरा और 1 किस पे लिखेंगे? 5 पर। अगर मैं यहां 2 पर लिख दूं 1 तो सही है क्या? कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है बेटा? हमेशा इस वाले से अगर जोड़ रहे हो ना, तो इससे जस्ट आगे वाली जो नंबर है ना, जैसे इससे आगे वाला नंबर क्या है? 5। तो वो कैरी करने वाला किस पे लिखा जाएगा? 5 पर। अब देखो इधर वापस से ऐड करो, सबसे पहले कौन सा नंबर लिखूंगा मैं? 1 जो मैंने कैरी किया था ना वो। उसके बाद 1 के जस्ट नीचे क्या है? 5। गिनना मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए 5। इससे नीचे कितना लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इन सबको एक साथ काउंट करेंगे। बेटा इधर उधर नहीं देखेंगे, सामने की तरफ, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, सीधे बैठो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने हो गए? अब एक बात बताना जरा, अगर मैं यहाँ नीचे 12 लिख दूं तो सही है क्या? तो इसमें से यस सर नहीं बेटा, जिसने यस सर कहा इसका मतलब उसको अभी समझ नहीं आया। हमेशा 2 डिजिट में अगर नंबर आ जाए तो उनमें से 1 डिजिट कैरी होगा, 1 डिजिट नीचे लिखेंगे। तो 2 में से अब ये 12 में कितने डिजिट है देखो, देखें 1 तो 1 है और 1
टू है, दो डिजिट आ गए ना अलग अलग, तो इसमें से नीचे कौन सा लिखेंगे टू, और कैरी फॉरवर्ड कौन सा करेंगे ऊपर, ये वाला कैरी करेंगे। तो यहां नीचे कितना लिख दूं मैं, और एक को कहां ले जाऊं, नेक्स्ट वाले नंबर पर कैरी करेंगे। इसको हटा दूं क्या, मैंने जोड़ लिया क्या, ये जोड़ लिया ना बेटा, अभी हमने जब ये किया था ना तो उसमें जोड़ लिया इसको, तो जिस असल को जोड़ लेते हैं ना उसको इरेज कर देते हैं। अब आगे देखो, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बेटा आप खड़े हो, यस स्टैंड अप, व्हाट इज योर नेम, प्रियांशी, प्रियांशी आपको बताएगी। प्रियांशी सबसे पहले अगर मैं यहां डंडे खींचू इधर तो कितना खींचना पड़ेगा मेरे को, वन, क्यों, क्योंकि यहां पर कैरी जो हमने किया था ना वो कितना था, वन, सही है, ये मैंने वन खींच लिया। सिट डाउन बेटा, इसके पास में जो बैठे हैं खड़े हो। अब मैं बेटा कितने डंडे खींचू, एट, क्योंकि वन के नीचे कितना लिखा हुआ है, शाबाश बैठिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया। एट के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है क्या, वन डंडा खींचना पड़ेगा ना, अगर उसको भूल जाएंगे तो काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अगर आपको केवल चपातीज दे दें सब्जी नहीं मिले तो काम चल जाएगा क्या, नहीं ना, अच्छा लगेगा ना। आपको केवल कोई भी स्वीट है उसका पानी, मीठा वाला जो पानी आता है वही पिला दें, आपको मिठाई नहीं खिलाएं तो आपको अच्छा लगेगा क्या, सब चीजें साथ में होनी चाहिए ना। तो हम यहां पर इसको अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा ऐड करना गलत हो जाएगा। अब काउंट करेंगे साथ में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कितने डिजिट कितने हैं इसमें, टू, इसमें डिजिट कितने हैं, वन और टू, एक तो एक है और एक जीरो है, इनमें से नीचे कौन सा वाला डिजिट लिखेंगे, बेटा एक बार मधु जी से बोलो, मधु आंटी से बोलो जाओ, जीरो, कितना लिखेंगे नीचे, जीरो, और कैरी कितना करेंगे, वन, और कैरी आठ पे ही कर दूं क्या वापस से, तो कितने पे करूंगा, इससे नेक्स्ट वाला नंबर जो होगा ना उस पे करेंगे, तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, इस पे कैरी किया। अब वापस से देखो, सबसे पहले कितनी लाइन खींचूंगा मैं, वन, बेटा सेवन नहीं, जो कैरी करते हैं ना वो लाइन सबसे पहले खींचते हैं, उसके बाद कितनी लाइनें खींचे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नाउ हाउ मेनी लाइन्स वी हैव टू ड्रॉ, सेवन मोर, बिकॉज देयर इज अनदर सेवन अंडर द सेवन, वहां पर सात के नीचे भी क्या है, सेवन, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब साथ में काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, कितने हो गए, कितने डिजिट है बेटा उसमें, डिजिट कितने हैं उसमें, 15 के अंदर कितने डिजिट हैं, एक तो वन है और एक फाइव है। अब मेरे को एक चीज बताना, यशस्वी खड़े हो आप, बेटा यहां 15 में से पूरा 15 लिख देंगे या एक को कैरी करेंगे, क्यों लिख देंगे, बेटा यहां पूरा 15 लिख देंगे, रीजन क्या है, क्योंकि आगे इसके आगे कोई नंबर नहीं है, देर इज नो एनी अदर नंबर नियर सेवन, दैट्स वाई वी हैव टू राइट डाउन 15 अंडर हियर, हमें पूरा 15 ही लिखना पड़ेगा। हम कैरी कब करते हैं, जब सामने कोई नंबर और होता है। सिट डाउन बेटा, तो यहां कितना लिख देंगे नीचे, ये सही है क्या, समझ में आया, शाबाश बेटा, इसको कहते हैं ऐड करना। अब आप सभी कॉपीज लेके आए हैं ना, मैं आपको यहां बोर्ड पर कुछ ऐड लिख रहा हूं, आपको वो करना है कॉपी के अंदर, बहुत सिंपल वाला है, चुपचाप से अपना अपना काम करेंगे, किसी बच्चे की हेल्प नहीं लेंगे।
कैरी वाला है बेटा, लेकिन बहुत बहुत एजी वाला है। नहीं, केवल इतना लिख लो जितना है ना, उतना ही लिख लो।